हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्वेस्टमेंट की बाजार पर। दोस्तों, अगले हफ्ते आप कह सकते हैं दो बम्पर आईपीओ लॉन्च होने वाले हैं। इस वीडियो में आपको पूरी प्राइस बैंड से लेकर दोस्तों डिटेल्स में बताने वाला हूं इन आईपीओस की एंड क्या ग्रे मार्केट चल रही है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके जरूर जगह चले। दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अगर अपन आईपीओ की बात करें तो डेफिनेटली दोस्तों कॉनकॉर्ड बायोटेक का आईपीओ जो है वो आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। उससे पहले एसबीएफसी आएगा, उसके बारे में आगे बात करेंगे। अगर कॉनकॉर्ड बात करें तो मेजरली कंपनी दोस्तों 1984 में शुरू हुई थी एंड कंपनी का जो कामकाज है बायोटेक है, डेफिनेटली बायोफार्मा कंपनी है ये, जहां पर कंपनी एपीआई प्रोवाइड करती हुई देखने को मिलती है। कंपनी का काफी अच्छा मार्केट शेयर है और काफी अच्छी वॉल्यूम है 2022 के अंदर आती हुई देखने को मिली थी। कंपनी अगर अपन प्रेजेंस की बात करें तो ओवर 70 कंट्रीज के अंदर को दोस्तों कंपनी की प्रेजेंस है। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स कंपनी प्रोवाइड करती हुई देखने को मिलती है। डेफिनेटली काफी अच्छा कंपनी का कामकाज है। एंड अगर इस आईपीओ की बात करें तो 4 तारीख को आईपीओ ओपन होगा, 8 तारीख को क्लोज हो जाएगा। एंड अभी तक जो प्राइस बैंड की डिटेल्स है वो नहीं आई है। मेजरली पॉसिबली हो सकता है 1 तारीख तक आपको प्राइस बैंड दिखता हुआ देखने को मिल जाए, लेकिन ग्रे मार्केट में जरूर कामकाज होना शुरू हो गया है। अगर अलॉटमेंट की बात करें तो 11 तारीख को इस आईपीओ का अलॉटमेंट आएगा, 14 को रिफंड आएंगे, 16 को क्रेडिट ऑफ शेयर्स डीमैट। अगर अपन फाइनेंशियल शीट की बात करें तो इसकी फाइनेंशियल शीट जोरदार है। 2021 में कंपनी का पीएटी आप यहां पर देखिए 234 करोड़ था। 2022 में डेफिनेटली हिट आया, 174 करोड़ तक गया पीएटी, लेकिन इस बार फिर से दोस्तों कंपनी अपने पीएटी में उछाल लाती हुई देखने को मिली है। 240 करोड़ का कंपनी का पीएटी रहता हुआ देखने को मिला। और रेवेन्यू की बात करें तो साल दर साल दोस्तों रेवेन्यू में काफी अच्छी बढ़ोतरी होती हुई देखने को मिली है। नेटवर्क भी आप यहाँ पर देख सकते हैं 1290 करोड़ रहती हुई देखने को मिल रही है। और अगर अपन कंपनी की बोरोइंग्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चौंकाने वाले आंकड़े। 86 करोड़ की बोरोइंग थी दोस्तों कंपनी की 2021 में, 22 में 60 करोड़ की हुई और फिर अभी करंटली अगर आप देखेंगे तो 31 करोड़ की बोरोइंग्स है कंपनी के पास। तो डेफिनेटली दोस्तों कंपनी का कर्जा कम होता हुआ देखने को मिल रहा है, ये भी एक अच्छा इंडिकेशन है। और इन सभी के बीच जो ग्रे मार्केट निकल कर आई है यहां पर आप देख सकते हैं 325 रुपए यहां पर ग्रे मार्केट रहती हुई देखने को मिल रही है। डेफिनेटली अभी प्राइस बैंड नहीं आया, बट जैसे ही प्राइस बैंड आएगा डेफिनेटली ग्रे मार्केट उसी हिसाब से भी कामकाज होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो शानदार ग्रे मार्केट है, अच्छी लिस्टिंग की उम्मीद जो है इस आईपीओ से आप जरूर रख सकते हैं, इसलिए पैसा तैयार रखिएगा आप। एंड अब अगर बात करें SBFC IPO की, तो फ्रेंड्स SBFC IPO 3 तारीख को ओपन होने वाला है। डेफिनेटली ये आप कह सकते हैं अगस्त महीने का पहला मेन बोर्ड IPO रहने वाला है। और अगर अपन इस IPO की बात करें तो मेजरली कंपनी की शुरुआत 2008 में हुई थी, जहां पर कंपनी फाइनेंस प्रोवाइड करती हुई देखने को मिलती है। प्राइमरी कस्टमर जो है कंपनी के वो एंटरप्रेन्योर्स है, स्मॉल बिजनेस ओनर्स है, सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स है, सैलरीड एंड वर्किंग क्लास इंडिविजुअल है। तो डेफिनेटली काफी अच्छा कंपनी का कस्टमर बेस है। अगर अपन बात करें प्राइस बैंड की तो ये IPO जो है वो 54 रुपीज से 57 रुपीज के बीच में रहने वाला है। 260 शेयर आपको मिलते हुए देखने को मिलेंगे। टोटल इशू की अगर बात करें, टोटल इशू दोस्तों 1025 करोड़ का, जिसमें 600 करोड़ का फ्रेश इशुएंस है और 425 करोड़ का OFS है। मैं अगर अपन बात करें यहाँ पर क्लोजिंग की तो 7 को एक क्लोज हो जाएगा, 10 को अलॉटमेंट आ जाएगा, 11 को रिफंड आ जाएंगे, 14 को क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमैट और 16 को इसकी लिस्टिंग होती हुई देखने को मिलेगी। रिटेल में मिनिमम लॉट की बात करें तो 14,820 का लॉट है मैक्सिमम यहाँ पर देख सकते हैं, एज वेल एज आप स्मॉल एचएनए कैटेगरी में, बिग एचएनए कैटेगरी में लगा सकते हैं। एंड अगर अपन इस कंपनी के फाइनेंशियल शीट की बात करें तो लगभग 149 करोड़ का कंपनी का इस क्वार्टर में प्रॉफिट रहा है, 740 करोड़ कंपनी का रेवेन्यू रहता हुआ देखने को मिला है। तो डेफिनेटली अच्छी खासी ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आती हुई देखने को मिली है। एंड अपन बात करें दोस्तों यहां पर कंपनी के रजिस्ट्रार के तो KFin टेक्नोलॉजीज की वेबसाइट पर इस आईपीओ का अलॉटमेंट आने वाला है। एंड अगर ग्रे मार्केट की बात करें तो डेफिनेटली ग्रे मार्केट में अच्छा कामकाज है, 38 रुपए यहां पर ग्रे मार्केट रहती हुई देखने को मिल रही है चित्तौड़गढ़ की वेबसाइट पर। वहीं अगर अपन बात करें चाणक्य की वेबसाइट तो यहां पर भी 36 रुपए से 39 रुपए ग्रे मार्केट रहती हुई देखने को मिल रही है। एंड फाइनल अगर वेबसाइट की बात करें तो यह आईपीओ वॉच की वेबसाइट, यहां पर दोस्तों लगभग 40 रुपए ग्रे मार्केट रहती हुई देखने को मिल रही है। अगर अपन प्रॉफिट की करें तो इस आईपीओ में पर लॉट पर आपको 10,140 रुपए का मुनाफा होता हुआ देखने को मिलेगा। तो जरूर दोस्तों इन दोनों आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए। पूरे वीडियो जो है सब्सक्रिप्शन के ग्रे मार्केट के वो डेली आपको चैनल पर मिलते हुए देखने को मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।